सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद सुधीर कुमार खोबे। डिवीजन सॉर्ट ट्रिक, भाग सॉर्ट मेथड, ये पर यूनिट वैल्यू पर वर्क करता है। जैसे हम 200 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 50 आ रहा है, तो 50 पर यूनिट वैल्यू है। पर यूनिट वैल्यू को हम समझने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम तोड़ लिया 50 50 50, नीचे तोड़ लिया एक एक एक, यानी कि अगर जो हम नीचे एक बढ़ा रहे हैं तो ऊपर 50 बढ़ेगा, यानी कि एक यूनिट 50 के बराबर है। अंश में एक, ऊपर 50, ठीक है, इस पर वर्क करेंगे इस टाइप से। तो हम ये पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं इसमें। जैसे हमें डिवीजन दिया हुआ है 48 87 को हमने 89 से भाग देना है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसमें सबसे पहले जो नीचे हर होता है उसे होल वैल्यू बना लेते हैं। जैसे हम होल वैल्यू क्या बनाएंगे, यूनिट जोड़ के। तो हमने इसमें कितनी यूनिट जोड़ी है, एक यूनिट, तो इसे बना लिया है 90। अब ऊपर वाली जो संख्या थी उसे 90 से कटने वाली संख्या में बना लेते हैं पहले पर यूनिट निकालने के लिए। तो इसको ये हो गया है 4500, तो 0 से 0 कटा 45। अब 450 को 9 से हम भाग दे रहे हैं तो 50 आ रहा है पर यूनिट वैल्यू। तो इसमें पर यूनिट वैल्यू कितनी है, 50। अब हम क्या देखते हैं कि नीचे हम एक यूनिट जोड़ रहे हैं तो एक यूनिट के रेस्पेक्ट कितने हैं, 50, तो ऊपर कितना जोड़ेंगे, 50। घटाते हैं तो घटाते हैं दोनों साइड में, तो हमने कर लिया इसको क्या, 90, और ये इतना हो गया। अब 90 जीरो है तो 0.7 यहाँ आ जाएगी, यानी कि 3.7 493.7। अब 9 से इसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। इसे हम एक और मेथड से समझेंगे, शॉर्ट मेथड को। जैसे यदि तीन से ज्यादा डिजिट होते हैं तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। जैसे इसमें 3 से ज्यादा डिजिट थे तो हमने इन्हें 2 डिजिट नीचे 2 ऊपर कैंसिल, जितने नीचे कैंसिल करते हैं उतने ऊपर कैंसिल करते हैं। तो इसमें ऊपर आ गया 962, नीचे आ गया 310, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 310 को हम होल नंबर बना रहे हैं, तो ये बन गया है 300। कितने यूनिट लेस की है, 10। अब पर यूनिट निकालनी है तो हम एक इसको 962 को एक ऐसे नंबर में बनाएंगे जो 300 से कट जाए, तो वो है 900। अब 900 को हम 300 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 3, तो पर यूनिट वैल्यू आ गई है 3। अब हमने नीचे कितनी यूनिट लेस की थी, हमने यूनिट लेस की थी 10, तो ऊपर कितनी यूनिट लेस करेंगे, 10, तो एक यूनिट कितने के बराबर है, 3 के, तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी, 30 के, तो ऊपर 30 और नीचे 10, तो ऊपर आ गया 932, नीचे आ गया 300। अब 300 में 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो यहाँ आ जाएगा 9.32, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये देखो इधर भी सीधे भाग दिया, ये आया, ये इसमें सेम आता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम फिर क्या देख रहे हैं, इसमें भी 3 से ज्यादा डिजिट है, तो ये जो 3 से ज्यादा डिजिट है इनको हमने कैंसिल कर दिया है ऊपर नीचे दोनों साइड, ये आ गया है 892, नीचे आ गया 205। अब 205 को हमने होल नंबर बनाना है, तो इसमें से 5 यूनिट लेस की, तो हो गया 200। अब ऊपर की संख्या को पहले ऐसी संख्या बनाना है जो 200 से कट जाए, तो ऐसी संख्या क्या है, 808। पर यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट वैल्यू आ गई है हमारी 4। अब एक यूनिट 4 के बराबर है, नीचे कितनी यूनिट लेस की है, 5, तो ऊपर कितनी यूनिट लेस की करेंगे, 5 चौक 20, यानी कि 20 ऊपर लेस करेंगे, तो ये आ गया है हमारे पास कितना आ गया है, 872, नीचे आ गया 200, 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ आ गया है। अब 2 से 8.72 को हम भाग दे रहे हैं तो ये आ रहा है 4.36, और इसको हम सीधे डायरेक्ट भी भाग दे रहे हैं तभी भी कितना आ रहा है, 4.36, यानी कि बड़ी भाग को छोटी भाग में हम बदल लेते हैं। Thank you for watching my video. If you like my video, then like and share my video and subscribe my channel for more update. Please press the bell icon.